हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवी क्लासेस। आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ वो है डिजाइन ऑफ वेल्डिंग जॉइंट। इसके ऊपर मैं आज न्यूमेरिकल बताऊंगा। इससे पहले भी मैं डिजाइन ऑफ वेल्डिंग की एक न्यूमेरिकल डाला है, पार्ट सेकंड है। और जो हम न्यूमेरिकल्स में फॉर्मूले यूज करेंगे उसको कैसे डिजाइन करते हैं, एक ट्रांसवर्स फ्लैट वेल्ड ज्वाइंट और पैरेलल फ्लैट वेल्ड ज्वाइंट, इन दोनों के लिए मैंने डेरिवेशन डाला हुआ है, वो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। या फिर हमारा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है आप राइट साइड में देखेंगे, यहाँ पर टॉपिक लिखा है उसके राइट साइड में देखेंगे उल्टा एरो बना हुआ, उस एरो पे क्लिक करते ही आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। उसमें इस यूनिट से रिलेटेड, इसके अलावा अभी तक मैंने मशीन डिजाइन के जितने भी वीडियो डाले वो सारे वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डायरेक्ट लिंक मिल जाएगी। टॉपिक लिखा होगा उसके सामने एक लिंक होगी, उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट वीडियो पे पहुंच जाएंगे और देख सकते हैं। हमारी प्लेलिस्ट मशीन डिजाइन के नाम से बनी हुई है, उसमें जाके देख सकते हैं। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हमारा न्यूमेरिकल जो लगाने का जो हमारा प्रोसीजर है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल पढ़ते हैं उसको समझाएंगे, उसके बाद गिवन डाटा लिखेंगे, उसके बाद उसका डायग्राम अगर है तो बनाएंगे, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का न्यूमेरिकल। जैसे लिखा आप प्लेट 100 mm वाइड, मतलब 100 mm वाइड मतलब चौड़ाई कितनी है, 100 mm विड्थ दिए, 12.5 mm थिक, थिकनेस कितनी दी 12.5 mm, इज टू बी वेल्डेड अनदर प्लेट, मतलब एक दूसरी प्लेट के साथ वेल्डेड किया जाए बाय मींस ऑफ पैरेलल फ्लैट वेल्ड। इसमें भी कौन सी कंडीशन है, पैरेलल फ्लैट वेल्ड जॉइंट्स, इस चीज को आप याद रखें। द प्लेट्स आर सब्जेक्टेड टू अ लोड ऑफ 50 kN, लोड है पी इक्वल टू कितना 50 kN, फाइंड द लेंथ ऑफ द वेल्ड सो दैट द मैक्सिमम स्ट्रेस, मतलब क्या करना, लेंथ को फाइंड करना, और जो मैक्सिमम स्ट्रेस डज नॉट एक्सीड कितना 56 MPa, मैक्सिमम स्ट्रेस है वो किससे ज्यादा नहीं हो चाहिए, मैक्सिमम कितना हो चाहिए 56 MPa। कंसीडर द जॉइंट फर्स्ट अंडर स्टैटिक लोडिंग एंड अंडर फटिक लोडिंग। अब इस न्यूमेरिकल में देखिए, इससे पहले न्यूमेरिकल लगाया था उसमें सिर्फ मैंने स्टैटिक लोडिंग की कंडीशन बताई थी, लेकिन इसमें पहले किसके लिए डिजाइन करना है, स्टैटिक लोडिंग के लिए, दूसरी बार किसके लिए करना, फटिक लोडिंग के लिए, मतलब दोनों के लिए हमें लेंथ निकालना आ रहा था। तो सबसे पहले इसका गिवन डाटा लिखते हैं। गिवन दिया है विड्थ इक्वल टू दिया 100 mm, थिकनेस दिया है 12.5 mm, जो कंडीशन दी है पैरेलल फ्लैट वेल्ड जॉइंट की, और जो लोड दिया है पी इक्वल टू 50 kN दिया है। किलो को अगर चेंज करेंगे तो हमारा हो जाएगा 50 × 10³ N। इसके अलावा जो दिया है फाइंड द लेंथ को हमें क्या करना, फाइंड आउट करना है। मैक्सिमम स्ट्रेस दिया है टाउ मैक्स, दिया कितना दिया 56 MPa। अब मेगा पास्कल को अगर न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में चेंज करेंगे तो वैल्यू सेम रहेगी, क्यों रहेगी मैं बताता हूं, क्या हो जाएगा न्यूटन पर एमएम स्क्वायर टाउ मैक्स इक्वल टू, क्योंकि मेगा को हटाने के लिए 10⁶ का मल्टीप्लाई कर देंगे, पास्कल इक्वल टू होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर को एमएम स्क्वायर में चेंज करने के लिए हम 10⁶ का मल्टीप्लाई करेंगे मीटर स्क्वायर में, क्यों, क्योंकि 10³ × 10³, इसलिए 10⁶ हो जाएगा, क्योंकि दो बार स्क्वायर होगा मीटर, क्योंकि एमएम से मीटर से एमएम में चेंज करने के लिए 10⁶ का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 10⁶ मेगा की जगह रहेगा और नीचे भी रहेगा, दोनों से कट जाएगा तो सेम वैल्यू रहती है। ये हो गया। अब इसका डायग्राम बनाते हैं, पैरेलल फ्लैट जॉइंट का डायग्राम बनता, वो मैं बना देता हूं एक छोटा सा डायग्राम। इस तरह का कुछ डायग्राम बनता है, यहां पर वेल्ड होता है, पैरेलल फ्लैट जॉइंट का डायग्राम है, ए इसकी विड्थ रहती है, ए इसकी एल रहती है, ए थिकनेस रहती है टी, इसी को हम वेल्डिंग साइज भी बोलते हैं। टी इक्वल टू क्या होता है एस, मतलब क्या होता है वेल्डिंग साइज एस से डोनोटेट करते हैं, वेल्डिंग इक्वल टू क्या होता है थिकनेस ऑफ वेल्ड, क्या होता है टी, तो दोनों बराबर होते हैं।
अब ये तो हो गई इसकी बात, लेकिन अब इसमें लेंथ निकालने के लिए फॉर्मूला कौन सा यूज होता है? स्टेटिक लोडिंग और फटिक लोडिंग के लिए, दोनों के लिए फॉर्मूला एक ही यूज होगा, लेकिन जो लोडिंग हो रही है उसके कारण कारण जो कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर जो होगा वो दोनों के लिए अलग होगा। तो इसके लिए जो फॉर्मूला यूज होता है वो होगा दोनों के लिए P=1.414 इंटू एस, एस इक्वल टू टी लिखेंगे यहां पर याद रखें, इंटू एल इंटू टाउ, दोनों के लिए फॉर्मूला यूज होने वाला। P क्या होता है लोड जो 50 किलो न्यूटन दिया है, S क्या होता है थिकनेस, थिकनेस के बराबर कितनी दी है 12.5 एम दी है, L होता है लेंथ निकालना, टाउ क्या होता है नॉमिनल स्ट्रेस। अब नॉमिनल स्ट्रेस को निकालने के लिए हमें कैसे निकालना पड़ेगा क्योंकि यहां तो टाउ मैक्स दिया। अब मैं बता दूं क्या होता है इसमें, जब हमारा टेंसाइल लोड लग रहा है, क्या लग रहा है टेंसाइल लोड, यहां पर बेल्ट लोड बेल्ट होने के कारण स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है जब किसी चीज के एरिया चेंज होता है या कोई जगह चेंज होती है किसी पार्ट्स में, तो वहां पर जो स्ट्रेस होते हैं वो एक अच्छी एक वे में क्या रहते हैं सेटअप नहीं रहते हैं, वो इधर उधर सेटअप हो जाते हैं, उनमें क्या होता है एक डिप क्या होता है फेल होने के चांस होते हैं या क्रैक हो जाते हैं इसे बोलते हैं, वो क्रैक ना हो या उसके लिए क्या होता है एक स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर होता है। तो सबसे ज्यादा कहाँ होता है इस पार्ट के अंदर देखें तो वेल्ड ज्वाइंट होता है, जहां पर जंक्शन होता है वेल्डिंग का, जहां पर वेल्डिंग की हुई वहां पर सबसे ज्यादा होता है। तो वो क्या होता है अलग अलग ज्वाइंट के लिए अलग अलग होता है, जैसे स्टेटिक लोड जो वहां पर डबल फ्लैट ज्वाइंट है उसके लिए अलग होगा, जो ट्रांसवर्स फ्लैट ज्वाइंट है उसके लिए अलग होगा या कोई और ज्वाइंट है उसके लिए अलग होगा, और वो किसके ऊपर डिपेंड करता है लोडिंग के ऊपर। अब स्टेटिक लोडिंग है तो उसके लिए हमेशा याद रखें स्टेटिक लोडिंग के लिए कॉन्सेंट्रेशन जो स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर की वैल्यू हमेशा किसी भी ज्वाइंट के लिए एक होती है, कितनी होती है 1 होती है। हम शॉर्ट में लिख देते हैं स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर फॉर स्टेटिक लोडिंग सभी ज्वाइंट के लिए कितना होता है 1 होता है, याद रखिए किसके लिए सभी ज्वाइंट के लिए होता है। तो फर्स्ट कंडीशन हमारी जो है कौन सी है स्टेटिक लोडिंग पे हम क्या निकालते हैं सबसे पहले लेंथ को डिजाइन करते हैं, तो अब फॉर्मूला यही है हमारे पास टाउ को निकालना, तो टाउ के निकालने के लिए हम बता दें आपको जब 1 होता है जो हमारा कॉन्सेंट्रेशन स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला होता है, यहां पर आप मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं लेकिन आप पूरा लिखें स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू होता मैक्सिमम स्ट्रेस, क्या होता मैक्सिमम स्ट्रेस अपॉन नॉमिनल स्ट्रेस या रेफरेंस स्ट्रेस, यहां पर होता टाउ मैक्स, इसको रिलेटेड करते हैं टाउ से। अब टाउ इक्वल टू हमें निकालना है तो क्या हो जाएगा टाउ मैक्स अपॉन एस सी एफ स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर, टाउ मैक्स की वैल्यू यहां पर दी है देख लो 56, स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर स्टेटिक लोडिंग के लिए किसी भी जॉइंट के लिए कितना होता है 1 होता है, टाउ इक्वल टू हमारी जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी 56 न्यूटन पर एमएम। अब हमें वैल्यू मिल गई है टाउ की, तो यहां पर टाउ रखें, अब वी नो दैट हम जानते हैं पी इक्वल टू देख लें यहां पर होता 1.414 इंटू एस एफ टी इक्वल टू, तो कितना लिख देंगे 12.5 इंटू इसके बाद एल, एल को हमें निकालना है इंटू टाउ है, टाउ की वैल्यू कितनी दी है जब हमने अभी निकाली है 56। अब इसको कैलकुलेट करते हैं तो पी इक्वल टू हमने देखा था पी इक्वल टू हमारी वैल्यू दी है 50 × 10³, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो जो वैल्यू आएगी 990 इंटू एल, अब एल इक्वल टू अगर निकालेंगे तो 50 × 10³ जिसके साथ मल्टीप्लाई होता है वो हमेशा नीचे जाता है इक्वल टू जो वैल्यू आएगी लगभग आएगी 50.5 एम, ए आ गई एल की वैल्यू कितनी आ गई 50.5 एम, लेकिन ए एल नहीं होती एक्चुअली क्या होता है जब हम वेल्डिंग करते हैं किसी जॉइंट पे तो इस कुछ दूरी जो वेल्डेड होता है स्टार्टिंग में होती है कुछ दूरी एंडिंग में होती है, तो जो एक्स्ट्रा दूरी चलता है हमारा टॉर्च या वेल्ड जो एक्स्ट्रा दूरी में कुछ वेल्डिंग हो जाती है उस वो हमें एक स्टैंडर्ड साइज देते हैं 12.5 कितना लेंगे 12.5, तो हम यहां पर लिखते हैं उसको ऐड करते हैं हमेशा पैरेलल कभी भी एक कंडीशन है पैरेलल फ्लैट जॉइंट तो हमेशा 12.5 ऐड करेंगे उसके अंदर, तो यहां पर लिख देते हैं एडिंग
12.5 mm, 4 starting and stop of belt run. ठीक है, जो belt run कर रहा है वो इतनी extra दूरी चलता है starting में और ending में. तो यहाँ L इज इक्वल टू हो जाएगा 50.5 प्लस 12.5, L इज इक्वल टू अगर दोनों को ऐड कर देंगे तो आया 63 mm. अभी मैंने जो L निकाली किसके लिए निकाली, ओनली स्टेटिक लोडिंग के लिए, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन दी स्टेटिक लोडिंग. अब निकालेंगे अंडर फटीग लोडिंग. तो फ्रेंड्स जैसा न्यूमेरिकल में दिया, दूसरा क्या निकाला, अंडर फटीग लोडिंग. तो उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं. ये कंडीशन दी है, फर्स्ट तो निकाल चुके हैं, सेकंड है अंडर फटीग लोडिंग. तो डायग्राम समझते हैं, एक्चुअली फटीग लोडिंग होती है. फटीग लोडिंग क्या होती है, कब डेवलप होती है, जब साइक्लिक लोडिंग हो रही हो किसी भी पार्ट पे, क्या हो रही है, साइक्लिक लोडिंग हो रही है, उस टाइम फटीग लोडिंग होती है. तो उसके लिए जो फटीग लोडिंग के लिए जो स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर होता है अलग अलग जॉइंट के लिए अलग होता है. तो मैं बता देता हूं, जैसे अगर फर्स्ट ट्रांसवर्स बेल्ट जॉइंट है, इसके लिए जो स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर होगा, स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर होगा 1.5 रहता है स्टैंडर्ड, याद रखें. लेकिन अगर पैरेलल फ्लैट जॉइंट है, बेल्ट जॉइंट याद रखें, तो उसके लिए स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर कितना होता है, 2.7. ये दो वैल्यू याद रखें, आपको इस यूनिट की न्यूमेरिकल सारे सॉल्व करना, क्योंकि आपको फिर अगर ये आपको याद नहीं तो डिजाइन डाटा बुक में जाके आपको देखना पड़ेगा. बेल्डिंग जॉइंट डिजाइन की यूनिट पे जाएंगे, उसमें देखेंगे एक टेबल होगी स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर, उसके नाम से वहां पर देखेंगे जॉइंट है उसका नाम देखेंगे, उसके जस्ट सामने इस तरह की वैल्यू लिखी. तो स्टार्ट करते हैं अंडर फटीग लोडिंग. अब फॉर्मूले इसके लिए भी वही होता है, पी इज इक्वल टू 1.44 इंटू एस इंटू एल इंटू टाउ. अब ये टाउ देखें, ये टाउ इसके लिए भी डिजाइन करने पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए जो स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर होगा वो अलग होगा, क्योंकि स्टेटिक लोडिंग के लिए बंद था और इसके लिए अलग है. जैसा मैं बता चुका हूं, इसमें जो कंडीशन कौन सी है, फ्लैट बेल्ट जॉइंट, तो इसके लिए फ्लैट बेल्ट जॉइंट के लिए स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर क्या 2.7 है. तो सबसे पहले टाउ की वैल्यू निकाल लेते हैं. तो हम जानते हैं स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर इक्वल टू होता है टाउ मैक्स, मतलब मैक्सिमम स्ट्रेस अपॉन टाउ, मतलब नॉमिनल स्ट्रेस या रेफरेंस स्ट्रेस. तो हमें टाउ की वैल्यू निकालना है, टाउ इक्वल टू हो जाएगा टाउ मैक्स इक्वल टू स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर. टाउ मैक्स की जो वैल्यू दी है मैं बता दूं आपको, स्टार्टिंग में जो हमारी क्वेश्चन में दी है कितनी दी, 56 दी है, यहां लिख लेते हैं 56 अपॉन स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर कितना है पैरेलल फ्लैट जॉइंट के लिए, जो हमने डिजाइन डाटा बुक से लिख रखा है 2.7. 2.7 जाकर इसमें डिवाइड करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, लगभग आएगी 20.74 न्यूटन पर एमएम. टाउ इक्वल टू आएगा 20.74 न्यूटन पर एमएम. अब यहां पर एस इक्वल टू टी होता है, जैसा मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं. एल हमें निकालना है किसके लिए, फटिक लोड, अंडर फटिक लोडिंग कितनी एल आती है, टाउ की इक्वल टू वैल्यू निकालनी. पी की लो हमें यहां पर पहले एक बार वैल्यू बता देता हूं, पी इक्वल टू 15 × 10³, एस इक्वल टू दिया है टी इक्वल टू 12.5, एल हमें निकालना है. तो यहां पर सारी वैल्यू पुट करते, पी कितना है 50 × 10³ इक्वल टू 1.414 इंटू टी की जगह कितना रखेंगे 12.5 इंटू एल इंटू 20.7. इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 50 × 10³, इसको जब सॉल्व करेंगे पूरे को तो ये आएगा 367 इंटू एल. अब एल की वैल्यू निकालेंगे तो इक्वल किस तरफ वैल्यू होगी, वो ऊपर हो जाएगी और जो इंटू में होती है वो नीचे पहुंच जाती है मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग. एल इक्वल टू जो इसके में अगर डिवाइड करेंगे तो आएगा 136.2 mm. अब जैसा हम जानते हैं कि पैरेलल फ्लैट जॉइंट है, इसके लिए हमेशा याद रखें जो स्टार्टिंग की और एंडिंग में जो बेल्टेड रन कर रहा है या जो दूरी एक्स्ट्रा चली जा रही है वो कितनी स्टैंडर्ड ली है डिजाइन डाटा बुक के अकॉर्डिंग 12.5, उसको हमेशा ऐड करेंगे लास्ट में. हम यहां पर लिखते हैं एडिंग 12.5 फॉर स्टार्टिंग एंड स्टॉप ऑफ बेल्ट जॉइंट.
तो यहाँ पे लिख देंगे AL इज इक्वल टू 136.2 प्लस 12.5, AL इज इक्वल टू हो जाएगा 148.7 mm. तो फ्रेंड्स ये हमने जो लेंथ निकाली वो अंडर किस में निकाली, अंडर फटीग लोडिंग में। ये जो लेंथ निकाली हमने वो किस में निकाली, अंडर स्टैटिक लोडिंग। दोनों के कंसेप्ट हम क्लियर करा चुके हैं फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, फ्रेंड्स को भी बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।